नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। यूरोप में देशों में स्थित कई यूक्रेनी दूतावासों में संदिग्ध पार्सल मिले हैं। इन्हें ब्लडी पार्सल कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने बताया है कि इन पार्सलों में जानवरों के अंग हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा अधिकारियों को डराने के लिए किया जा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा, अब तक ऐसे 17 मामले सामने आ चुके हैं, जहां यूरोप के अलग अलग देशों में स्थिति हमारी एजेंसी में जानवरों के अंगों वाले पार्सल मिले हैं। कई पार्सलों में गाय और सुअर की आंखें मिली हैं, तो वहीं कुछ पार्सलों में विस्फोटक भी मिल चुके हैं। संदिग्ध पैकेज मिलने का सिलसिला स्पेन में एजेंसी के बाहर हुए धमाके के बाद शुरू हुआ। कुछ दिन पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेनी एजेंसी में कई एक्सप्लोसिव से भरे पार्सल भेजे गए थे। एक पार्सल खोलते ही धमाका भी हुआ था। यह लेटर बम स्पेन के एयरफोर्स बेस पर भेजा गया था। लेटर बम किसी की हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर खुफिया एजेंसी किसी हाई प्रोफाइल टारगेट की हत्या के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। लेटर बम बनाने के लिए एक पार्सल तैयार किया जाता है। इसमें एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई जाती है। पार्सल खोलते ही डिवाइस ट्रिगर हो जाती है। और धमाका हो जाता है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओल्हे निकोलेको के मुताबिक हंगरी, नीदरलैंड, पोलैंड, क्रोएशिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया में स्थित यूक्रेनी एजेंसी और नेपल्स और क्राको में स्थित यूक्रेनी काउंसलेट में संदिग्ध पैकेज मिले। इसमें एक्सप्लोजिव और जानवरों के अंग थे। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि पैकेज को एजेंसी भेजने से पहले किसी तरह के लिक्विड में भिगोया गया था। इनमें अजीब सी बदबू आ रही थी। हम जांच कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।